हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सौरभ, ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे तो पार्टनर आपसे और दूर चला जाएगा। ये मैं नहीं, ये बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे ही बोलते हैं कि सर नो कॉन्टैक्ट रूल पे वीडियो बनाते हो, ठीक है आप नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर भी बनाते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो पार्टनर आ जाएगा। अरे सर, पार्टनर तो और दूर चला जाएगा। यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि सच में बहुत लोग कंफ्यूज और बहुत लोग नहीं मानते हो कि नो कॉन्टैक्ट रूल सही रूल है, जबकि नो कॉन्टैक्ट रूल सच में अच्छा रूल है। आप समझ रहे हो? हाँ, ये बात है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का भी कुछ कंडीशन होता है, ठीक है। कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि कब फॉलो करना चाहिए और किनको फॉलो करना चाहिए, और कब नहीं फॉलो करना चाहिए और किनको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, हम यूट्यूबर्स चुतिए नहीं हैं, ठीक है, हम लोग बेवकूफ नहीं है जो नो कॉन्टैक्ट रूल पे वीडियो बनाते हैं। आप समझ रहे हो? हम लोग इतने लोग से बात करते हैं, ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा पुराने यूट्यूबर हैं उनको और एक्सपीरियंस होगा। आप समझ रहे? मेरा तो खैर यूट्यूब में दो साल से, लेकिन उससे पहले भी मैं काउंसलिंग जैसा कुछ काम करता ही था, ठीक है, मतलब दोस्तों का काउंसलिंग दिया, ठीक है, आसपास जो भी हैं, समझ रहे हो ना, तो मतलब एक्सपीरियंस उतना है, ठीक है। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है भाई कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, ये फॉलो करो, ठीक है भाई। कुछ ये रिजल्ट आते हैं तभी। अब आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल बेकार होता है। आप समझ रहे हो? अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका नहीं हुआ तो यूपीएससी बेकार थोड़ी हो गया। आप नीट की तैयारी करो, आईटी का तैयारी करो, बैंकिंग का तैयारी करो, अरे नहीं हुआ तो भाई बैंकिंग आईटी थोड़ी बेकार होगी। आप समझ रहे हो? देखो आपने उतना मेहनत किया कि नहीं, क्या आपके हालात सही थे कि नहीं, कि मतलब कंडीशन फेवरेबल था कि नहीं। मान लो तबीयत ख़राब था, आप कर रहे हैं यूपीएससी का तैयारी, अब 10 घंटा टैबलेट खा के 10 घंटा आप सोते हो, नींद की गोली खा के कहाँ से पढ़ पाओगे? तो इसका मतलब ये थोड़ी यूपीएससी बेकार हो गया। हाँ, यूपीएससी के कंडीशन में आप फिट नहीं बैठ पाए, क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आप सोए रहे मतलब बीमार थे। तो उसी तरह नो कॉन्टैक्ट रूल होता है, आपका रिलेशन ऐसा नहीं होता है कि हाँ ऐसा ऐसा चलो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, ऐसा ऐसा हुआ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। पहले देखो क्या आपका कंडीशन सूटेबल है, समझ रहे हो? सुनो, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट रूल सच में अच्छा रूल है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग अपना वैल्यू गंवा देते हैं अपने पार्टनर के सामने, इज्जत, सेल्फ रेस्पेक्ट सब माँ बहन आप लोग कर देते हो, तो नो कॉन्टैक्ट रूल बैलेंस करता है। नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान आप एक मतलब एक साइलेंट फॉर्म अडेप्ट किए रहते हो, ठीक है, और साइलेंट रहने में बहुत ताकत है, हर चीज़ बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल सच में रिजल्ट तो आते हैं, ठीक है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल उनको फॉलो करना चाहिए जो जो विक्टिम है रिलेशनशिप में, मतलब कि आपके साथ बुरा किया है पार्टनर, ठीक है, या तो मतलब क्या मैं बोलूँ, आपने कुछ गलती भी किया है लेकिन आपने माफ़ी वाफ़ी मांग लिया, छोटी सी गलती की लेकिन वो बैलेंस आपने कर लिया, फिर भी पार्टनर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, तब आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना चाहिए और तब काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में आप ही विलेन हो और विलेन होने के बावजूद आप ही नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, मतलब विलेन आप ही हो लेकिन इसके बाद भी आप ही नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बंदी को या बंदे को एकदम सबके सामने MC, BC, BSD के, BKL एकदम ये समझ, पूरा गाली BKC बाकी, हाँ BKC, ठीक है, पूरा आप गाली दे दियो, ऑब्वियस सी बात है उसको बुरा लग रहा है तो आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो अरे गाली दे दिया तो क्या हो गया, अब ये बात नहीं कर रही है या बात नहीं कर रहा है, तो चलो मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करता हूँ। अरे भाई नहीं काम करेगा, क्योंकि आपकी गलती है, आप विलेन हो, छोटी मोटी गलती होती तो चलता है, ठीक है, कि कुछ सुना दिए चलता है, लेकिन आप इतना मतलब बहुत ज़्यादा आप गलती कर दी है, आप अपनी बंदी के या बंदे के घर परिवार वाले को गाली दे दिए या बीच सड़क पे मार दिए ऊपर से, ठीक है, तो ऑब्वियस बात वो आपसे नाराज है, अब वो आपसे नाराज है, अब आप मना नहीं रहे हो, ठीक है, ऊपर से आप ही सोच रहे हो यही खुद आएगा मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूँगा या करूँगी, तो भाई वो उसको आप दुखी करके नो कॉन्टैक्ट रूल आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जबकि उस समय आपको एक बार सॉरी बोल देना चाहिए था। अब सॉरी बोलने के बाद उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको माफ़ करता है कि नहीं। सॉरी बोल के एक बार नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो तो ठीक है, लेकिन एकदम गलती भी क्यों एकदम अकड़ दिखा रहे हो, तो भाई ऑब्वियस ही बात है वो भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करेगा, वो यही सोचेगा कि यार मेरे को गाली दिया है मैं खुद जाऊँ नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, उस समय वो एकदम अकेलापन महसूस करेगा, ठीक है, उस समय वो किसी और के साथ हो सकता है इन्वॉल्व हो जाए, कोई लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ, हो सकता है फिजिकल भी हो जाए,
बहुत लड़के मुझे ऐसे बोलते हैं, सर 4 महीने के लिए मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, बाद में पता चला कि मेरी बंदी तो सेक्स करवा ली है या मेरा बंदा तो सेक्स कर लिया किसी के साथ, सर तो नो कॉन्टैक्ट घटिया है। फिर मैं उनसे बात करता हूँ कि 4 महीने जो तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, ठीक है, तो मतलब क्यों, मतलब गलती किसकी थी, क्या आप कुछ करते थे? तो बंदा बोलता है कि हाँ सर मैं गाली वाली तो देता था, इवन मैंने 1-2 थप्पर भी मारा है। तो भाई आप विलेन थे, विलेन हो कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे? नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो इसलिए करते हैं ताकि पार्टनर, सामने वाला पार्टनर मुझे थोड़ा सिंपैथी दे, थोड़ा मुझे भाव दे। लेकिन आप खुद विलेन हो तो घंटा विलेन पे कोई सिंपैथी देता है? यही लॉजिक है भाई, यही साइकोलॉजी है, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ आप लोग को। इस तरह खोल के कोई नहीं बताएगा, मतलब खोल के मतलब इन द सेंस वो टॉपिक खोल के, ठीक है, इस तरह कोई खोल के नहीं बताएगा। मैं आपको बता भाई, इस तरह लड़कियां भी करती है। मान लो आप बॉयफ्रेंड से कभी ले लिए 10,000-20,000, अब वापस कर ही नहीं रही हो, ठीक है, अब पार्टनर एकदम आपसे नफरत जैसा करने लगा, ऊपर से आप और नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रही हो, और नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रही हो, ऊपर से चाह रही हो कि पार्टनर और आए, कहाँ से आएगा वो? आएगा फिर 5,000 मांग लोगी उससे। तो भाई गलती दोनों साइड से होता है, मतलब दोनों करते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। तो मैं यही बोलूँगा, ठीक है, जो आप लोग बोलते हो ना कि नो कॉन्टैक्ट रूल घटिया होता और पार्टनर दूर हो जाएगा, तो यही कंडीशन है। आप अपने पार्टनर को एकदम दुखी कर दिए, गलती आपकी थी, ठीक है, दुखी कर दिया, ऊपर से माफी नहीं मांग रहे, ऊपर से नो कॉन्टैक्ट रूल आप फॉलो कर रहे हो, तो भाई पार्टनर को तो आप पे भरोसा ही नहीं होगा ना, वो उसको कोई भी कंधा मिल जाएगा। आपकी बंदी, मान लो आप कुछ गाली गलौज दिए, मारे बंदी को छोड़ दिए, नो कॉन्टैक्ट रूल ऊपर से आप ही कर रहे हो, भाई बंदी थोड़ा वेट करेगी कि यार सॉरी कब बोलता है, ये कब करता है, ठीक है, क्योंकि उसका हक है, क्योंकि गलती आपने किया तो उसका हक है कि आप सॉरी, ये कि ये मेरे को सॉरी बोले, ठीक है, ये एक्सपेक्ट करना उसका हक है। अब आप सॉरी नहीं बोल रहे हो, वो कहीं दुखी आत्मा बन के बैठी है या बैठा है, कहीं उसके लाइफ में कोई आया, चिपक जाएगा, फिजिकल भी हो सकता है, ओयो या बुक माय ट्रिप में, मेक माय ट्रिप में होटल बुक करके भी, समझ रहे हो, घपा घप हो सकता है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल बेकार नहीं है, उसके लिए अच्छा है जो मतलब जो सिंपैथी गेन कर लिया है, ठीक है, मतलब जो विक्टिम है, मेरी बंदी मुझे गाली दी, मेरी माँ को उल्टा सीधा बोली, मेरा हक बनता है, मैं नाराज रहा हूँ, अब मैं नो, और मेरा ये भी हक है कि मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूँ, ठीक है, अब बंदी आएगी भाव देगी मुझे, अब मैं ही गाली दे दिया, ऊपर से मैं ही नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ, तो घंटा, ठीक है, इसलिए ओवरऑल देख के मत चलो नो कॉन्टैक्ट रूल बेकार है, नो कॉन्टैक्ट रूल ये है, नो, अरे भाई हम लोग बेवकूफ़ नहीं है भाई, फिर साइकोलॉजी, फिर हम दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा जो हम लोग इतने लोग से बात करते हैं? देखो घमंड की बात नहीं है, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, आप इंडिविजुअली अपने रिलेशनशिप लेकर परेशान हो, ठीक है, तो आप 1-2 अपने फ्रेंड लोग का, कम से ज़्यादा 1-2 फ्रेंड लोग का ब्रेकअप देखे होगे, या जो भी 10-12 भी मान लो, हम लोग के दिमाग में, हम लोग 1,000 लोग से बात करके बैठे हैं भाई, हम लोग को पता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल कब काम करता है कब नहीं करता है। ऐसे ही हम लोग काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग तो ले रहे हैं, पैसा लेना हम लोग का हक है, 1 घंटा बैठ के टिप्स बताना आसान नहीं है, जब कान में ईयरफोन लगता है ना भाई, 1 घंटा कान गर्म हो जाता है, तो मेरा हक है या किसी भी यूट्यूबर का हक है कि अपने हक का पैसा लो, ठीक है, लगातार जब 2-3 बुक हो जाती है ना भाई, कान में ईयरफोन 3 घंटे तक लगातार जब लगे रहता है, तब भाई रात को सोने में माथा दर्द होता है, आप समझ रहे हो, किसी से इसी तरह बात करना आसान नहीं है, मैं घर वालों से ही 2-5 मिनट बात करता हूँ, तो अननोन से 1 घंटा, तो मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए, किसी भी यूट्यूबर को मोटिवेशन चाहिए भाई, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये मेहनत का कमाई है, आप समझ रहे हो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर ऐसे ही बात कर लो ना, अरे भाई बात ऐसे ही कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फ्री नहीं ना हूँ भाई, ठीक है, तो वही मैं, चलो ये तो साइड का टॉपिक है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई, आपकी अगर गलती है और बहुत ज़्यादा गलती है, पहले आप अपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से पहले आप अपने पार्टनर से सॉरी बोल लो, ठीक है, सॉरी बोलो, उसके बाद उस पर छोड़ दो, ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट रूल सॉरी बोल के नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, फिर उस पर छोड़ दो, अगर उसको आप पे दया आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप भाई हो सकता है वो आपको माफ़ नहीं किया, तो ये है साइकोलॉजी, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल खराब है, ये खराब है, अरे ऐसे नहीं होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल अच्छा होता है। अच्छा जी बताओ, सरकारी नौकरी अच्छा है कि प्राइवेट है?
बहुत लोग बोलेंगे सरकारी, कुछ लोग बोलेंगे प्राइवेट, सबका अपना नजरिया समर। उसी तरह अब मतलब क्या है, उसी तरह नो कॉन्टैक्ट किसी, कुछ लोगों को खराब लगता है क्योंकि हो सकता है उनका कंडीशन में सूटेबल फिट नहीं बैठता होगा, आप समझो, तो उनको बेकार लगता है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया फिर भी लाइक करना, क्योंकि डिसलाइक करने वाली कोई बात मैंने बताया नहीं, ठीक है। मेरे से अगर फ्री में टिप्स चाहते हो, ठीक है, तो इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, थोड़ा वेट करना क्योंकि बहुत लोग के मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो अगर, ठीक है, तो भाई ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है, एकदम व्हाट्सअप पे मैसेज करो, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, एकदम एक घंटे में बात करता हूँ, ठीक है। अगर सच में बहुत ज़्यादा हो, दिमाग ख़राब हो रहा है, बंदी की वजह से डिस्टर्ब हो या साला बंदा की वजह से डिस्टर्ब हो, एकदम मेरे से 1-to-1 एकदम पेड कॉल करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।